Hello, beta. Welcome back. Coming to the finance, and we just wait to learn the concept of physics. And this is lecture number 17. तो बेटा लेक्चर नंबर 16 में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको आज बताने वाला हूं कि टनल इट मे नॉट पास थ्रू सेंटर ऑफ अर्थ। लेक्चर नंबर 16 में हमने बात की थी कि टनल अर्थ के सेंटर में से जब पास हुआ था तब वहां पे उस टनल के अंदर पार्टिकल ने SHM परफॉर्म किया था और जिसका टाइम पीरियड बच्चों आया था टी इज इक्वल टू 84.6 मिनट्स। समझ में आ रहा है बच्चों? आज टनल अर्थ के सेंटर में से पास नहीं होगा। टनल इट मे नॉट पास थ्रू सेंटर ऑफ अर्थ। टनल कहीं से भी कैसा भी पास हो सकता है, लेकिन वहां भी पार्टिकल SHM परफॉर्म करेगा और उसका टाइम पीरियड बिल्कुल इतना आएगा 84.6 मिनट। ओके, तो आओ बेटा आज देखते हैं हम लोग टनल इट मे नॉट पास थ्रू सेंटर ऑफ अर्थ। बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही मजेदार कंसेप्ट है बेटा, ध्यान दो। दिस इज अर्थ। ओके, अब यहां अर्थ में खुदाई करनी है। यहां पे ये अर्थ का सेंटर है। पिछली बार मैंने यहां से टनल पास किया था, अब की बार मैं टनल पास करूंगा यहां से। बिल्कुल मैंने टनल इस तरह से पास किया, आप देख सकते हो ये एक लाइन और उस लाइन ये। मैंने टनल बिल्कुल इस तरह से पास किया है, इज इट क्लियर? और यहां पे कंसिडर किया एक पार्टिकल, एक बंदा कंसिडर किया जिसका मास है स्मॉल एम, जो इसके अंदर जंप करेगा, इज इट क्लियर? और वो यहां से जब यहां में आएगा नीचे तो इसके अंदर भी SHM परफॉर्म होगा। मुझे आपको ये भी सिखाना है और टाइम पीरियड भी सिखाना होगा। ध्यान देना, ये अर्थ का सेंटर है। अर्थ की सेंटर की वजह से इस पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगेगा। समझ रहा है? इज इट क्लियर? मतलब अर्थ का सेंटर इस पार्टिकल को अपनी ओर खींचेगा। कितने फोर्स से? एम इंटू जी, इतने फोर्स से इधर खींचेगा। अब होता क्या है बच्चों कि ये सेंटर इस पार्टिकल को अपने ओर खींचेगा, लेकिन यहां पे ये पार्टिकल किसी कंस्टेंट के अंदर अपना मोशन लिया। कंस्टेंट मतलब क्या? इस पे कंडीशंस है। यहां टनल है, टनल बिल्कुल ऐसा है और ये पार्टिकल ऐसा ट्रैवल करेगा। अब होता क्या है कि ये सेंटर ऑफ अर्थ इसको अपनी ओर खींचेगा, लेकिन यहां पे ये जो mg है, ये mg दो पार्ट में रिजॉल्व होगा, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, इज इट क्लियर? और यहां पे एंगल बना है कितना? थीटा। अब बात ऐसी बच्चों की, ये दिस mg कैन बी रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट्स। वन इज, नंबर वन इज mg sin थीटा और दूसरा कंपोनेंट है mg cos थीटा। यहां पे ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज अगर आप अप्लाई कर लेंगे तो ये वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा mg cos का और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा mg sin का। अब बात ऐसी बच्चों, यहां तो दीवार है, तो ये पार्टिकल ये दीवार तोड़ के इधर जाएगा नहीं, ये दीवार तोड़ के इधर तो जाएगा नहीं, फिर जाएगा किधर? इसका कंपोनेंट वर्टिकल नीचे है, तो इस mg का कंपोनेंट इसको नीचे की ओर लाएगा, इस टनल में से ट्रैवल करने मजबूर करेगा। तो मतलब mg cos थीटा आएगा उसको नीचे। ओके, तो ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में नीचे की ओर आएगा। बात समझ में आ रही है ना? अब बच्चों जैसे जैसे पार्टिकल नीचे आएगा ग्रेविटी तो बिल्कुल चेंज होगी, क्योंकि स्मॉल g कॉन्स्टेंट थोड़ा रहेगा। अर्थ के सरफेस पर अगर स्मॉल g है तो जैसे जैसे वो नीचे आएगा पार्टिकल स्मॉल g का वैल्यू चेंज होगा। चलो मैं बोलता हूं पार्टिकल यहां पे आएगा। अब जब पार्टिकल वर्टिकल कंपोनेंट पे ट्रैवल कर रहा है तो ये कंपोनेंट आपका कौन सा है? mg, mg cos थीटा। मतलब इसका mg cos का ये कंपोनेंट इस पार्टिकल को नीचे ला। अब नीचे लाया तो चलो मान लो यहां पे लाया, चलो अब ये यहां से यहां पे आया, अब यहां से यहां पे आया तो देखना इसका सेंटर ऑफ अर्थ इसको इधर खींचेगा, बराबर है? दैट इज व्हाट mg, इसको इधर खींचेगा, लेकिन इसका वर्टिकल कंपोनेंट को नीचे ले जाएगा अंडर द कंस्ट्रेंट। यहां पे एंगल हो गया थीटा, आप देख सकते हो बच्चों एंगल इंक्रीज हो गया। यहां पे एंगल कितना था तो यहां एंगल बड़ा हो गया, एंगल क्या हो रहा? इंक्रीज हो रहा, इज इट क्लियर? अब एंगल अगर बढ़ रहा है तो चलो मान लो ये यहां पे नहीं, ये आ गया तुम्हारा बिल्कुल ऐसी कंडीशन पे, यहां पे आ गया ये पार्टिकल यहां पर। अब यहां पे आने के ऊपर इसका जो फोर्स लगेगा वो पूरा फोर्स इधर लगेगा mg, mg इधर लगा टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ। बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से इस वीडियो को देखना आपने, mg लग रहा इधर। अब ये नीचे जाएगा क्या? क्यों नहीं, क्योंकि यहां पे अर्थ के सेंटर पे अर्थ के, अब यहां पे ग्रेविटी जीरो है क्या? नहीं, कंसेप्ट को बिल्कुल सेफ
सेम रखना कि ग्रेविटी कहां पर होता है जीरो, ग्रेविटी होता है सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर पे बेटा ग्रेविटी का वैल्यू कितना होता है जीरो। इज इट क्लियर? बिल्कुल ध्यान दो, अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटी का वैल्यू कितना होता है जीरो। नाउ बेटा आप देखो यहां से जब नीचे जाएगा, अब यहां पे अगर ये पार्टिकल आ गया, यहां पे एंगल कितना बन गया 90, अब यहां अगर एंगल 90 का बन गया तो थीटा का कॉस 90 है, कॉस 90 जीरो, मतलब यहां से पूरा फोर्स इधर लगेगा, यहां पे mg cos थीटा का कंपोनेंट क्या होगा जीरो, मतलब ये ऐसी पोजीशन है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज आवर इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये हमारी कौन सी पोजीशन है इक्विलिब्रियम पोजीशन, यहां पे पूरे पार्टिकल का जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ लग रहा है, समझ में आ रहा है, पार्टिकल यहां से यहां तक पहुंच गया। अब क्या होगा कि ये पार्टिकल यहां पे मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और वेलोसिटी मैक्सिमम होने से ये नीचे जाएगा, चलो मान लो ये यहां पे आ गया, अब इस पोजीशन पे अगर आ गया तो सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ उसको अपनी ओर खींचेगा, दैट इज mg, समझ में आ रहा है, ये एंगल बना तुम्हारा कौन सा थीटा, इज इट क्लियर? अब यहां पे सेंटर ऑफ अर्थ इसको अपनी ओर खींचेगा, अब ये अपनी ओर जाने से बजाय यहां पे दो पार्ट हो गया mg sin थीटा और mg cos थीटा, अब दीवार तोड़ के इधर तो जाएगा नहीं, ये वापस आ जाएगा ऊपर, मतलब mg cos ने इसको ऊपर ले जाएगा, इज इट क्लियर? मतलब जब इक्विलिब्रियम पोजीशन से ये जब नीचे आ रहा था तो इसकी वेलोसिटी कंपन कंपन होते 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 यहां पे हो गई जीरो, फोर्स वापस लगेगा ऊपर की ओर, फिर वेलोसिटी क्या होगी इंक्रीज 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 इंक्रीज, इट बिकम्स मैक्सिमम, फिर वेलोसिटी कम 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 होते होते यहां पे हो जाएगी जीरो, फिर फोर्स को नीचे गिरेगा। तो बेटा ये हो क्या रहा है, यही तो SHM हो रहा है ना, मतलब पहला कंसेप्ट मैंने आपको सिखा दिया कि टनल के अंदर ये पार्टिकल जिसका मास है स्मॉल m, वो क्या परफॉर्म कर रहा, वो SHM परफॉर्म कर रहा, दैट्स इट। फिर टनल चाहे तुम्हारी ऐसी लो, फिर टनल चाहे तुम्हारी ऐसी लो, टनल आप कैसी भी खोदो अर्थ के अंदर, वो पार्टिकल क्या परफॉर्म करेगा SHM। कंसेप्ट समझ में आया? चलो ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। बेटा इसके आगे कैसे बढ़ेंगे देखो, अब मैं वापस से एक अर्थ ले रहा हूं और नई वाली फ्रेश टनल इसके से पास करूंगा। देखो ये मैंने एक वापस आपके सामने अर्थ लिया और मैंने क्या किया, यहां से इसमें टनल पास कर दिया, एक टनल अर्थ के सेंटर में से नहीं जा रहा, ये अर्थ का सेंटर ये हमारा, ठीक है, ध्यान में रखना। अब मैंने आपको भी सिखा दिया था कि ये मेरी कौन सी पोजीशन है, इक्विलिब्रियम, दिस इज माय इक्विलिब्रियम पोजीशन कॉल्ड एज मीन पोजीशन, ओके, और यहां पे इसका नेट फोर्स किधर रहेगा, इधर, ओके। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि मुझे पार्टिकल को डिस्प्लेस करना है, नंबर टू की कंडीशन, स्लाइटली डिस्प्लेस एक्स फ्रॉम द मीन पोजीशन, ये मेरी मीन पोजीशन मतलब इक्विलिब्रियम, यहां से मैंने इसको ऊपर लाया, डिस्प्लेस किया मैंने इसको एक्स इतना डिस्टेंस ऊपर डिस्प्लेस किया, तो यहां पे आने के बाद भी ये पार्टिकल यहां पे आ गया, इसका नेट फोर्स इधर लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, टुवर्ड्स इसका जो सेंटर ऑफ अर्थ इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा ना, कितने फोर्स से, mg, बच्चों mg नहीं mg डैश, क्योंकि ग्रेविटी चेंज हो रहा है, यहां पे था तो ये सेंटर इसको mg से अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, लेकिन जैसे नीचे आया यहां पे तो ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो रही, चेंज, दैट इज व्हाट mg डैश, ये एंगल है आपका कितना बच्चों, दैट इज व्हाट थीटा, बात समझ में आ रही है। चलो ग्रेविटी का एक छोटा सा कंसेप्ट देख लेते हम लोग, बेटा ये अर्थ है, ये सेंटर है, ओके, यहां से मैं यहां पे आ गया, ये डिस्टेंस है स्मॉल r, और यहां पे ग्रेविटी का कितनी है g डैश, ग्रेविटी का कंसेप्ट आपको बताया कि एट द सरफेस ऑफ अर्थ ग्रेविटी होता है स्मॉल g, लेकिन जैसा जैसा आप नीचे जाओगे ग्रेविटी क्या होगा, डिक्रीज, तो यहां पे ग्रेविटी क्या होगा, g डैश इज इक्वल टू व्हाट, g इनटू स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल r, ये कंसेप्ट आपको पता है, मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया है। अब ध्यान दो बेटा, यहां पे अर्थ का सेंटर इसको अपने ओर खींचेगा, ओके, लेकिन ये नेट इसका जो कंपोनेंट है, इसका कंपोनेंट इसको नीचे लाएगा, mg डैश का कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट इसको नीचे लाएगा, क्योंकि ये दीवार तोड़ के वो इधर तो जाएगा नहीं, उसको घूमना तो बिल्कुल इसके अंदर ही है, तो
तो mg डैश का कंपोनेंट उसको नीचे रहेगा, मतलब नेट फोर्स जो लग रहा है बच्चों, अब कंसेप्ट पे ध्यान दो, नेट फोर्स जो लग रहा है mg डैश का कंपोनेंट, mg डैश का कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा आएगा, mg डैश cos थीटा। बच्चों बात समझ में आ रही है सीधा। अब ध्यान दो एंड बच्चों मेरा g डैश कितना है, मेरा g डैश है g इंटू स्मॉल r डिवाइड बाई कैपिटल r, और बेटा ये मेरा डिस्टेंस है स्मॉल r, दैट इज माय स्मॉल r, जैसा ये मेरा स्मॉल r है, इज इट क्लियर। अब बच्चों यहां पे cos थीटा कितना रहेगा, cos थीटा की प्रॉपर्टी आपको पता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, cos थीटा की प्रॉपर्टी है एडजेसेंट, एडजेसेंट इसका x हो गया, हाइपोटेन्यूस इसका कितना हो गया स्मॉल r, तो मैं cos थीटा को रिप्लेस कर दूंगा r से इनटू x बाय r, आप देख सकते हो r r गेट कैंसिल, सो व्हाट वी गेट, वी गेट mg कैपिटल r इनटू x, ये x ऊपर ही रहेगा, दैट इज माय नेट फोर्स। और बेटा तीस की कंडीशन अब ध्यान दो, अब बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन आपको बता रहा हूं बच्चों, यहां पे mg x बाय r यहां डालूंगा मेरी नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है कि नेट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर ऑलवेज अपोजिट नेट, यहां से डिस्प्लेसमेंट अगर ऊपर की ओर है तो इसका फोर्स किधर रहेगा, नीचे की ओर, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव साइन इंडिकेट है। अब इस नेट फोर्स को, अब मेरा तीसरा, अब देखो नेट फोर्स तो मैंने कैलकुलेट कर लिया, अब मुझे इस नेट फोर्स को क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा, कैसे, मैं बोलूंगा एफ नेट इज इक्वल टू व्हाट, माइनस एक्स, इक्वेशन नंबर टू, ये बिल्कुल आपको पता है। अब दोनों को कंपेयर कर देंगे तो के का वैल्यू कितना है, के का वैल्यू है यहां पे के आएगा आपका mg बाय r, के कितना है आपका mg अपॉन कैपिटल r, इज इट क्लियर बच्चों, वेरी सिंपल। और बच्चों हमें निकालना है टाइम पीरियड कि इस टनल में से अगर हम लोग जंप करेंगे तो इसका एक ऑसिलेशन कितने समय में होगा, उतने ही समय में होगा, समय में 84.6 मिनट्स, मतलब एक घंटा 24 मिनट 6 सेकंड के अंदर हमारी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी, इज इट क्लियर। देखिएगा बच्चों टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता है, t इज इक्वल टू व्हाट, 2 पाई अंडर रूट स्मॉल m बाय k, तो 2 पाई एज इट इज, m k को वैल्यू यहां पे प्लेस कर दो, इंस्टेड ऑफ हियर mg बाय r, बाय r चलेगा ऊपर, m m गेट कैंसिल, तो बच्चों टाइम पीरियड का फॉर्मूला यहां पे रेडी हो गया, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट R by G। बताओ बेटा यही फॉर्मूला हमारा लेक्चर नंबर 16 में आया था, T is equal to what, 2 pi under root R by G, जब हमने टनल पास किया था बिल्कुल इसके सेंटर में से, टनल हमने ऐसे पास किया था तो भी यही फॉर्मूला था, टनल यहां से पास किया तो भी यही फॉर्मूला है, टनल कहीं से भी पास करो आप तो यही फॉर्मूला है, टाइम पीरियड इज सेम, जो भी कितना आएगा 84.6, बस अब करना क्या है, अर्थ की रेडियस पुट करना है, ग्रेविटी की वैल्यू पुट करना है, और ये 2 पाई, ये पूरा कैलकुलेशन सॉल्व करना है, आंसर आपको इतना मिलेगा, समझना बच्चों। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आप इस वीडियो को बार बार देखो, तब तक देखो जब तक ये कंसेप्ट दिमाग में फिट नहीं होता। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।